तो यार वर्ल्ड वॉर हल्क देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज़ के बारे में जिन्हें हल्क ने डिस्ट्रॉय किया है। तो नंबर 1 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। जब कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी से हल्क को रिवेंज लेना था, जिसके लिए हल्क इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को काफ़ी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करना हल्क के लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा था, क्योंकि हल्क को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर लसन ने मैजिक रूल्स को ब्रेक कर दिया था और डीमन के पावर्स को एक्वायर कर लिया था। पर इस पावर का भी यूज करके वो हल्क को नहीं रोक पाया, जिसके बाद हल्क ने उसके हैंड को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो नंबर 2 पर है थॉर। जब स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की बात आती है तो इन दोनों का नाम आना तो पक्का है, और इन्हें हमने कॉमिक्स और एमसीयू में भी फाइट करते हुए देखा है, पर एमसीयू में इनकी कंप्लीट फाइट कभी दिखाई नहीं गई है। द अवेंजर्स मूवी में एक जेट ने इनकी फाइट को इंटरप्ट कर दिया था, और थॉर रैग्नारॉक में भी इनकी फाइट उतनी फेयर नहीं थी। पर फिर भी अगर इनकी टोटल फाइट्स की बात करें, यानी कॉमिक्स और एमसीयू की, तो हल्क ने आधे से ज्यादा फाइट्स को विन किया है। नंबर 3 पर है आयरन मैन। जब हल्क अपने ब्रूस वाले फॉर्म में होता है तब ब्रूस और टोनी बेस्ट फ्रेंड के जैसे रहते हैं, पर जब हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट हुई थी तब लगभग हल्क बस्टर ने हल्क को कंट्रोल कर लिया था। पर कॉमिक्स में सीन थोड़ा अलग है। जब आयरन मैन इल्यूमिनाटी का पार्ट था और हल्क को इल्यूमिनाटी से रिवेंज लेना था, तब टोनी ने बेस्ट वर्जन ऑफ हल्क बस्टर बनाया था, पर हल्क जितना एंग्री होता है उतना आउट ऑफ कंट्रोल होते जाता है, जिसकी वजह से उसने कॉमिक्स में हल्क बस्टर को बहुत बुरी तरीके से धोया था। तो नंबर 4 पर आती है मोहतरमा जेनिफर, यानी शी हल्क, जिसे अभी अभी हल्क की पावर्स मिली है, और हल्क वर्सेस शी हल्क की फ्रेंडली फाइट हमने एमसीयू में देखी है। सेम उसी तरह कॉमिक्स में भी इनकी कुछ फ्रेंडली फाइट्स हुई थी, पर जब हल्क को बताना था कि रियल हल्क कौन है, तब उसने शी हल्क को भी काफ़ी आसानी से हरा दिया था और प्रूफ कर दिया था कि रियल हल्क कौन है। तो नंबर 5 पर आते हैं रीड रिचर्ड्स, जिन्होंने हल्क को ट्रिक करके प्लैनेट से बाहर यानी स्पेस में भेज दिया था, जिसके बाद हल्क रिवेंज लेने वापस आता है और ये बताने आता है कि उन्होंने क्या कांड कर दिया है, जिसके बाद आप सोच ही सकते हो कि रीड रिचर्ड्स का क्या हल हुआ होगा। तो नंबर 6 पर आता है द थिंग्स। देखो यार, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने हल्क को काफी अच्छी टक्कर दी थी। वो जिस टाइप के रॉक से बना था, यानी पत्थरों से बना था, उससे उसे काफी मदद मिली हल्क से लड़ने के लिए, पर आगे चलकर उसे भी हल्क के सामने झुकना पड़ा। तो नंबर 7 पर आता है ब्लैक बोल्ट। जी हाँ, ब्लैक बोल्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसकी पावर है सुपरसोनिक ब्लास्ट। जब हल्क इल्यूमिनाटी से फाइट करने आया था तब सबसे पहले उसका सामना ब्लैक बोल्ट से हुआ था, और सब लोग शॉक हो गए थे जब हल्क ने सुपरसोनिक ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क ने ब्लैक बोल्ट का भी पत्ता साफ कर दिया। तो नंबर 8 पर आता है सबका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या ही हो गया कि स्पाइडरमैन को हल्क से भिड़ना पड़ा। तो हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके लिए पीटर ने उसे पब्लिक से दूर करने के लिए उसका ध्यान हटकाया और इन दोनों की फाइट हुई थी, और पीटर हल्क को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था, पर हल्क जब इन सब से बोर हो गया तब उसने पीटर को भी नहीं छोड़ा और लगभग स्पाइडरमैन को मार ही दिया था। तो नंबर 9 पर आता है हैंक पिम। जब हल्क को रोकने के लिए वास्प आई थी तो हल्क ने उसे भी काफी बुरी तरीके से धोया, पर उतना नहीं जितना हैंक पिम को धोया था। तो जब हैंक पिम अपने जायंट फॉर्म में था तब हल्क ने उसे इतना मारा कि उसका जबड़ा ही तोड़ दिया, और ये सब हल्क ने तब किया था जब हैंक पिम अपने जायंट फॉर्म में था और हल्क से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। तो नंबर 10 पर है एमसीयू का सुपरमैन, यानी रॉबी रेनॉल्ड्स, और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है और आप इसे एज अ सुपरमैन कंसिडर कर सकते हो। तो जब वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन का एंड हो रहा था तब हल्क ने अपने एंगर से पूरे प्लैनेट को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद रॉबी रेनॉल्ड्स को हल्क से फाइट करनी पड़ी थी, जिसके बाद ये फाइट काफी देर तक चली थी, और इस फाइट का एंड दोनों के ह्यूमन फॉर्म में आने की वजह से हुआ था, पर जिसके इमीडिएटली बाद ब्रूस फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ और जिसके बाद रॉबी रेनॉल्ड्स को उसने हरा दिया और इसी तरह उसने इस फाइट को विन किया, और इस इपिक फाइट का यहीं पर एंड हुआ। इस फाइट की तरह हमारा वीडियो भी यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।